गुरुवार सुबह दो बसें आमने सामने से टकरा गई, जिसमें 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एमवाईएच प्रबंधन ने बताया कि 25 वर्षीय राहुल भवर सिंह निवासी जामडी कला खंडवा की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया है। घटना में 8 लोगों के हालात काफी गंभीर बताई जा रही है। कुछ घायलों को इंदौर के एमवाई अस्पताल में भेजा गया। बताया जा रहा है कि धुंध अधिक होने के कारण ये घटना हुई है। 28 मरीज अभी आ चुके हैं, सबके इलाज की व्यवस्था शुरू कर दी गई है, सारा स्टाफ लगा दिया, हमारे डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ा दी है, हमारे नर्सिंग स्टाफ की भी संख्या बढ़ाई है, और जो हमारे यूडीएस स्टाफ है सब सभी लोग उनके उसमें लगे हुए हैं। अभी हम लोग उनका देख रहे हैं, असेस कर रहे हैं कि उनमें से कितने गंभीर हैं, कुछ की हालत गंभीर दिख रही है, तो अभी हम सबका भी इलाज प्रारंभ हो चुका है और हम देखते हैं अभी कितना क्या है, कितनी गंभीरता है मरीजों में, और उसके हिसाब से हम बाद में आप लोगों के साथ बात करेंगे। अभी वही 27-28 की सूचना मिली थी, लगभग सभी इतने तो आ चुके हैं अभी तक मरीज, और बाकी अगर कुछ और भी आएंगे तो उनके लिए हमारे पास पर्याप्त इंतजाम है।